नमस्कार दगड़ा, स्वागत है आपका मेरे नया ब्लॉग में। तो आज एक जो ब्लॉग बनो जो वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा भर बनो जो और आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलन में हुई जो कि लेकिन उत्तराखंड में हम चांदा आम एक गरीब परिवार से लेकर एक गरीब तबका परिवार से लेकर ना हर भी चांद की मतलब सरकार से जितना भी आर्थिक मदद वैसा वो हमेशा हुआ, लेकिन कुछ हमारे पदाधिकारी इन छिन्ह कि मतलब हमारे कोई एक आम आदमी तो इन समझ इनकी की उड़ जी कुछ नहीं नथिंग जीरो। तो वे पक्ष में भी बात करना चाहते जितने भी भाई बहन छिन आजकल होनी बीपीएल कार्ड का सर्वे, ठीक छ बीपीएल कार्ड का सर्वे होनी छिन। तो जितना भी पंचायत मंत्री पटौटी छिन तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करा छिन कि मतलब फलान लाओ अलान लाओ ये करो वो करो, ठीक छ हम लो ला। लेकिन मैं ये जान चाहते कि अगर क्या अगर मैं अपन आय प्रमाण पत्र के पटरी में मतलब जो और अपन आय प्रमाण पत्र मतलब आखे दूँ तो क्या वो एक अधिक फर्ज नहीं छ कि मतलब वो हमारे घर में आ और पूरा कैलकुलेट कर जा कि हाँ भाई यू ये कैटेगरी में संबंध रखो चुके नहीं रखो बी पी एल में वा ए पी एल में वा ऑन टू दे में वा। तो सभी बहनों थे नमस्कार और राधे राधे। तो अभी मैं थोड़ा जो मैंने एक पोस्ट डाल छाई वहाँ क्या बी पी एल कार्ड तो अभी सर्वे छ नीचे तो वही से संबंधित कुछ चीज़ पूछना लगे पंचायत मंत्री कार्ड जी जो तो दिखना रहा अभी है। नमस्ते जी, हमारे पंचायत मंत्री जी। तो आप सर आपको मैं ये जानना चाह रहा था। अरे आप कहाँ हो? मैं सिला से हूँ, आप ही के क्षेत्र से हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा नाम नितेश काला है और मैं बीपीएल कार्ड के सर्वे के उपलक्ष में आया हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये जानना था कि मेरा कार्ड बीपीएल में है या नहीं, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नितेश काला सुनो, सतीश चंद काला लेट से। हाँ जी आप आए भी थे, आपने बहुत कुछ बोला, आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन बीपीएल में नहीं। आप दिखा दो थोड़ा। नहीं बिल्कुल नहीं दिखा सकते ऑफिशियली मतलब। आप सूचना मांग सकते हो या फिर मैं लिस्ट टांगूंगा मीटिंग के बाद बाहर पंचायत भवन में, वहाँ आप देख सकते हो। अभी सर्वे होने है, उसके बाद आप कर सकते। तो अभी सर्वे हुई नहीं है मतलब? सर्वे हुई है लेकिन उसमें थोड़े से विवाद रह रहे हैं। हाँ विवाद ऐसे है ना, विवाद देखो ग्रामीणों का मुझे मतलब नहीं बंद नहीं कर सकता मैं आपको। देखो परमिशन नहीं है। परमिशन क्या? नहीं मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। आदेश में आदेश तो किसी का भी नहीं है, आदेश तो किसी का भी नहीं है। मैं जवाब नहीं दे सकता कुछ भी। आपको देना पड़ेगा सर, जनता जा रही है। मैं नेता नहीं हूँ, नेता वाले मैं भी नेता नहीं हूँ, मैं आम इंसान की तरह आपके उसमें आया हूँ, ठीक है? नहीं तो ये बंद कीजिए, मैं बात करूंगा। देखो दो सेकंड सुनिए। देखो अगर आप सही हो तो आप बंद करने को बोलोगे ही नहीं। दो सेकंड सुनिए, मेरे अधिकारी अगर मुझे आदेशित करेंगे कि हाँ मैं सोशल मीडिया पे आप जवाब नहीं। तो इतने मेरे पास इतने हमारे पास पैसे नहीं है कि जो हम अधिकारी से बात करें फिर वो आपको रिपोर्ट करें और आप हमें उसके बाद रिपोर्ट करें। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लीज। लिस्ट नहीं, मैं आपसे वो नहीं मांग रहा। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, आप ये बंद कर दीजिए। मैं बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग मतलब यहाँ पे दूर दूर हर गांव से आए हुए हैं। देखिए ये है हमारे भाई साहब, इनका भी मतलब बीपीएल से नाम कटा हुआ है, ठीक है? इनकी भी थोड़ा बुरी कंडीशन है। ये भाई साहब मतलब मुझे यहाँ पे पता हुआ है, ठीक है? तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने बोला था, मैंने भी एक पोस्ट की थी, ठीक है, जिस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आया था पंचायत मंत्री जी के घर पे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जितने भी विवाह के लोग हैं थोड़ा अपना मतलब हर चीज़ मतलब एक आम इंसान को आम इंसान की तरह समझे और उस पर मतलब टिप्पणी ना करें, ठीक है? किसी की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी ना करें। तो महोदय जी ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा तेरा नाम बीपीएल से कट जाएगा, तू बहुत कमा सकता है, और ये पता नहीं क्या क्या बोला था, मैं मुझे याद भी नहीं है। और ये मोदी जी हमारे घर में आए थे मतलब गांव में जब निरीक्षण हो रहा था उस टाइम पे, तो उस पर थोड़ा नाराज़गी थी तो इसी कारण मैं यहाँ पे आया। और अच्छा लगा, ऐसा कोई खास बात नहीं है। लो भाई कैसे घुस गया घर के अंदर, हालांकि ऑफिस से कैसे आ गए? काम सर है? हाँ काम है सर। अब क्या बात कर दिया आपने? अभद्रता वाली क्या बात है सर इसमें? भाई साहब हमने कोई अभद्रता की? ये अभद्रता है, सुन नहीं रहे हमारी। आप क्या चाह रहे हैं, वीडियो बंद कर दूं? जी ठीक है, आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है? देखिए ठीक है, तो आपने वीडियो देख ली देख सकता। तो
पंचायत मंत्री महोदय जी बुना छा कि वीडियो बंद कर दे। अरे वीडियो बंद के लिए कह रहे, वीडियो बंद वो कारण ना जो गलत वाल छे कि नहीं। अगर आप सही हो तो आप उसका प्रूफ दो, सामने दो, जनता के सामने दो। फेसबुक पे लाइव चल रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। अगर अच्छी चीज़ें आपके समक्ष ला रहा हूँ तो गलत नहीं है। अगर आप अच्छे अधिकारी हो तो आप लाइव पे पूरा बोलते, ठीक है। चलो खैर शॉर्ट आउट भी है इनकी ज़्यादा वो नहीं, लेकिन यू वीडियो में इले डलो छो मजबूरन में थे डलन को नहीं, ताकि और भी जो भ्रष्ट अधिकारी थे ऊँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचा। भ्रष्ट उत्तराखंड में और ख़ासतौर पर नयार घाटी में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, नहीं बख्शी जाएगी। अगर मेरे संज्ञान में आ गया मैं पहुंच जाऊंगा वहां, आप चाहे मुझे मरवा दो, मर्डर करवा दो, कुछ भी करवा दो पैसों के दम पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहर घाटी में किसी भी गरीब का बुरा नहीं होने दूंगा। और बिल्कुल भी आप कोई भी मंत्री नेता या कोई भी हो, आप किसी को बिल्कुल ना बोलें, मतलब कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि जो मुझ पर बीती है मुझे पता है कि मतलब मुझे कितनी दिक्कत हुई, ठीक है। एक बीपीएल बनाने के लिए साला इतना ड्रामा झेलना पड़ रहा है, बहुत दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड में। मतलब उत्तराखंड बना के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ये लग रहा है। नेताओं ने सिर्फ अपने खाने के लिए और अधिकारियों ने सिर्फ अपने खाने के लिए बनाया है। सभी अधिकारी ऐसे नहीं है, बहुत ईमानदार लोग भी हैं आज की डेट में दुनिया में, और उनको मैं सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ उन नेताओं को और उन मतलब अधिकारियों को कि जो एक गरीब की आवाज़ सुनते हैं। बहुत इन भी लोग छे ना, तो अभी मैं मिल नहीं छो, लेकिन कभी भी भविष्य मुलाकात भेल कि ईमानदार ऑफिसर दगड़ तो हूँ दगड़ भी जरूर बात करो, तो आप देख लो कि क्या सही छे क्या गलत छे, ठीक छे। ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा जितना भी हो सके, ठीक छे। आप लोगों प्यार आशीर्वाद चढ़ो, ताकि मतलब आम जनता मतलब जितना भी घर गाँव बुढ़े आदि में बुढ़ी सब देखा। और मी चांद के नहर घटे हर एक बंदा सतपुली वाह बूंग वाह कखी भी वाह ए हर एक बंदा आँख खुलना चाहना कि ले कि हमार के मिनिस्टर है इतना बड़ी पावर नहीं जितना हमार से। हम चाहें तो किसी को भी मंत्री बना दे, हम चाहें तो किसी को भी संतरी बना दे। एक ये वोट का अधिकार है, मत का अधिकार के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देवभूमि में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। दीदी भी है परमिला रावत हैं कि क्या करके हैं, तो बहुत अच्छी वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़े, ताकि भविष्य में कोई भी अच्छी बुरी कंडीशन हो तो उसमें मैं आप लोगों को सहायता दे सकूं, मेरा इतना सौभाग्य हो। तो वीडियो में कर दूं एंड, और आप लोग कमेंट ज़रूर करें, फैसला ज़रूर करें, अकेले की आम जनता ही जनार्दन से। तो मैं जनता के ऊपर ही वो फैसला डाल दें कि मतलब यू बात सही चीज नहीं चाहिए या क्या चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और कोई मेरे ये विषय में मदद कर सको तो मिथे जरूर संपर्क करें। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो आज मैं अपने पंचायत मंत्री श्री पुष्कर सिंह चौहान जी से मैंने हड़गे चाहिए, मेयर बीपीएल कार्ड बटे नाम कट गए चाहिए और इन्हीं कुछ मतलब लफड़ा चाहे कुछ, तो मैं वे उपलक्ष्य में गयी चाहे। तो मैं एक वीडियो में अभी जो आप सुन रहे जो वीडियो है तो वह कर दीजिए, मैंने फेसबुक में पोस्ट कर चाहे नितेश कला सतपुली मेयर फेसबुक अकाउंट से, वहाँ अभी आप देख सकते हो। और ये हमें मैं एडिट कर डाल दी, ठीक है। तो आप यार बताओ कि हम लोग की कह रहा एक आम आदमी की कार मतलब चलो तुम तन खानी पानी आनो सब चीज़ से, ठीक है। हम भी जी तोड़ में न करना चाहो, लेकिन निवेश पढ़ूँ कई कारणों से। और सरकार जितना भी मतलब हमसे पॉलिसी दी छिन, हमारे अधिकार छिन, वहाँ से हम वंचित रहना चाहो, तो क्लियर हूँ। और कमेंट ज़रूर करें और ये वीडियो तो इतना ज़्यादा वायरल करें कि जो यू पंचायत मंत्री भाई साहब छिन यूँ थोड़ा अकल ठिकाने आ जा।